वैसे तो दुनिया में कई खतरनाक बंदूकें हैं, लेकिन आज हम आपको उनमें से सबसे खतरनाक पांच बंदूकों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कुछ ही पल में कई निशाने साध सकती हैं। किसी भी जंग में सेना की सबसे अहम साथी होती है उनकी बंदूक, जो जंग के मैदान में खास योगदान देती है। अगर बंदूक खराब या खतरनाक नहीं है तो सैनिक के लिए कई मुश्किलें खड़ी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हमारे लिस्ट के पहले नंबर पर आती है अयस 50 राइफल। अयस 50 राइफल को दुनिया की सबसे बेस्ट स्नाइपर में गिना जाता है। इसका इस्तेमाल पहली बार 2007 में किया गया था। इस गन को ब्रिटेन की एक्यूरेसी इंटरनेशनल नाम की कंपनी ने डिजाइन किया है। इस गन की इफेक्टिव रेंज 1.5 किलोमीटर तक की है और यह 1.6 सेकेंड में 5 राउंड फायर करती है। एक बार जब इसकी गोली दुश्मन की तरफ बढ़ती है तो उसे संभलने का मौका तक नहीं देती है। दूसरे नंबर पर आती है ट्रेकिंग पॉइंट राइफल। ट्रेकिंग पॉइंट राइफल को आर्मी का भविष्य कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस खतरनाक राइफल को अमेरिका की ट्रेकिंग पॉइंट नाम की कंपनी ने बनाया है। इसका पहली बार इस्तेमाल 2011 में किया गया था। ये राइफल टारगेट पर निशाना लगाने में यूजर की मदद करती है। इस बंदूक की गोली दुश्मन को पलक गिराने से पहले उसके सीने के आर पार हो जाती है। तीसरे नंबर पर आती है और 16 असॉल्ट राइफल। 416 असॉल्ट राइफल को जर्मनी के हिटलर एंड कोच नाम की कंपनी ने डिजाइन किया है, लेकिन साल 2011 के दौरान तब यह चर्चा में आया जब ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि यह एक मिनट में 900 राउंड फायर कर सकती है। हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर आती है AK-103 राइफल। AK-100 सीरीज को दुनिया की बेस्ट राइफल्स में गिना जाता है। इस खतरनाक राइफल्स को बनाने का क्रेडिट रूस के कलाशनिकोव नाम की कंपनी को जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन AK सीरीज के राइफल्स का इस्तेमाल दुनिया में 100 से भी ज्यादा देशों के द्वारा किया जाता है। लिस्ट में लास्ट और फिफ्थ नंबर पर आती है M4 कार्बाइन। इस खतरनाक बंदूक को 80 से 90 के दशक में बनाया गया, लेकिन इसका पहली बार इस्तेमाल 1993 में किया गया था। इस राइफल को डेवलप करने का क्रेडिट अमेरिका की कोल्ट नामक कंपनी को जाता है। यह अपने हल्के वेट और शॉट वेरिएंट की वजह से ज्यादा फेमस हुई और अमेरिकन आर्मी ने इसे बड़ी संख्या में सेना में शामिल किया था। इसकी खासियत यह है कि यह एक बार में 30 राउंड फायर करती है। लाइट वेट होने की वजह से इसे संभालना भी काफी आसान होता है।